महर्षि मिहि की शिक्षाप्रद कहानियां आज आप लोगों के बीच बहुत ही मार्मिक और गहन विषय का शीर्षक लेकर आया हूँ। नासाग्र को गुरु से जाने। भ्रगोर मध्य नासाग्र अथवा नासिकाग्र कहकर ध्यान स्थिर करने के स्थान का संकेत प्राचीन काल से साधक करते आ रहे हैं। जैसे निम्नलिखित कथा में गुप्त धन रखने के स्थान का संकेत है। एक सेठ ने अपने गुप्त धन रखने का स्थान अपने बही का खाते में लिखकर रख दिया था कि अमुक महीने की अमुक तिथि से के दिन दोपहर के समय धन अमुक तार गाछ की फुनगी पर रखा है। जब वह मर गया और उसके बेटे ने जब इसे पढ़ा तो अति आश्चर्यित हुआ कि तार वृक्ष तो अभी वर्तमान है पर वहां तो धन है ही नहीं, और सोचा कि वहां धन रह भी सकता है कैसे। उसके पिता के समय का एक वृद्ध मुनीम था। जब लड़के ने इस विषय में उससे पूछा तब उस वृद्ध ने कहा, वह महीना तिथि और वह समय आने दो तो मैं बतला दूंगा। जब वह समय आ गया तब उस वृद्ध ने उस सेठ के पुत्र को उस स्थान पर ले जाकर तार गाछ की फुनगी की छाया जहां पड़ती थी वह स्थान बतला दिया और बोला कि इसी जगह में वह धन गड़ा है। सेठ पुत्र ने कोड़ कर अपना धन निकाल लिया। इस भांति भ्रुवोर मध्य नासाग्र अथवा नासिकाग्र का यथार्थ ज्ञान भेदी गुरुमुख भक्त से, जिसे दूसरों को बतला देने की गुरु आज्ञा हो, जाना जा सकता है। नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विनसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। संत सूरदास की वाणी है। यह प्रसंग आपको सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज द्वारा महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग 210 पृष्ठ में जो दिया गया था उसी से आप लोगों को सुनाए हैं, और एकाग्रचित होकर जरूर सुने, जीवन में बदलाव ला देंगे और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।